से नीचे जहां h लिखी है ना उसका फार्मूला देखो बस, ठीक है? मतलब इक्वेशन वही है ना, जब आप इक्वेशन देखिए तो उसमें क्या है, रेसिड्यू वेट इनटू 100 वर्ड बाय सबर वेट, कितना सिंपल सा है, सिंपल सा है ना। पहले आ गया रिपीटेबिलिटी, रेसिड्यू वेट ये कहां पे लिया है, बैलेंस पे, तो बैलेंस का आंसर दिया। और क्या है, एच कर है तो कोई टेम्परेचर भी होगी, जो आप बार बार कल से कह रहे हो टेम्परेचर टेम्परेचर, क्वेश्चन में तो नहीं आई, प्रोसीजर में आ गई, ठीक है? जो फिश बोन डायग्राम करोगे आप, फिश बोन डायग्राम में इट विल ऑल्सो डिस्कशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अरे आपने टेम्परेचर को ले ली, अरे नहीं यार ये साफ उसमें पढ़ा रहे थे ना, वो कह रहे थे इक्वेशन से ही लेना है, अरे उन्होंने ये भी तो बोला था प्रोसीजर में कोई ऐसा स्टेप आ जाए तो वो भी लो, तो इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ डिस्कशन एंड कमिंग टू सब्टन से फाइनल कंक्लूजन, यस इट शुड बी टेकन और नॉट, समझ गए?